फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो डीएसएसबी की वैकेंसी आई है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम जो होना चाहिए आपको पता, वो होना चाहिए कि सिलेबस क्या आएगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का कौन सा सेक्शन आने वाला है, क्या सब टॉपिक्स रहेंगे। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पर एक और देख रहे हैं कॉर्नर में, दैट इज लाइव क्लासेस। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके लिए ये वीडियो जितना आप इसका लाभ उठा सके उतना आप उठा सके। नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन होने वाली है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम कर लेते हैं। वो क्या है, आप लोगों को लिए हमने एक पोल भी डाला था कि क्या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आप लोग चाहते हैं, और हमने आप लोगों से व्हाट्सएप के थ्रू कुछ नंबर्स भी मांगे थे जिससे हमने पता लगाया था कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट का है। तो जो ओवरऑल है उनके लिए अभी हमने कुछ क्लासेस का शेड्यूल बना दिया है। तो हम कुछ लाइव जो फ्री क्लासेस शेड्यूल है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कुछ क्लासेस हैं जो हम लाइव चलाएंगे। तो कौन से सब्जेक्ट की है वो यहाँ पर देखेंगे। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस सब्जेक्ट की भी हम वीडियो चलाएंगे, जिस सब्जेक्ट की भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, वो सिर्फ ना सिर्फ उस सब्जेक्ट वाले के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि सभी बच्चों के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी जितने की सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कंसर्न में टायर टू में आएगा, लेकिन टायर वन में भी आपका पोर्शन है 20 नंबर का, जीके एंड करंट अफेयर्स, आपका बेसिकली जीए है, जनरल अवेयरनेस है, तो वो आपका रहेगा मेन इंपॉर्टेंट 20 नंबर का। इसके अलावा डीएसएसबी ही नहीं, बाकी जो भी एग्जाम है आपका जीएस पोर्शन तो आपको देखने को मिलता ही है। आई एम श्योर आप में से सभी बच्चे लगभग डीएसएसबी के साथ साथ बाकी टीचिंग एग्जाम या बाकी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये इन सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो ज्यादा सब्जेक्ट के बच्चे आए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं। हिस्ट्री का आपका पोर्शन टीजीटी एसएसटी आपका केवीएस एनवीएस या किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो है फायदेमंद रहेगा, ये क्लास आपको अटेंड करनी है। हिस्ट्री आपका जिनका सब्जेक्ट है पीजीटी में उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्लासेस हम करेंगे अल्टरनेट डेज पे एट 9 PM, हर रोज रात को 9 बजे अल्टरनेट डेज पे हम करेंगे हिस्ट्री की क्लासेस। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो अभी भी आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास। सेकंड जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी के बच्चे भी बहुत सारे हैं, काफी बच्चे हैं। तो पॉलिटी में हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये भी हम अल्टरनेट डेज पर 9 PM करेंगे, यानी कि एक दिन हम 9 बजे हिस्ट्री करेंगे, एक दिन हम 9 बजे पॉलिटी की क्लास लेंगे। आगे देखते हैं साइंस के भी काफी बच्चे हैं, इवन सीटेट में भी मैथ एंड साइंस यूज होता है, और साइंस के जो भी बच्चे हैं टीजीटी पीजीटी के उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के हम बेसिकली एनसीईआरटी सीरीज करेंगे जिससे आपको काफी मदद मिले, वो हम करेंगे एवरी वीकेंड पर, क्योंकि साइंस की पोर्शन में से हम एनसीईआरटी करेंगे। तो ट्राई करेंगे कि हम 2 वीकेंड पे एक जो है साइंस की एसएससी की एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट कर दें। कर हम एक वीकेंड पे भी सकते हैं, लेकिन यही है कि आपको ज्यादा बर्डन ना हो तो हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस में एक क्लास की एनसीईआरटी या 3 से 4 क्लासेस में एक क्लास की एनसीईआरटी, डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक्स, वो आपका कवर हो जाए। अब कि ये तो हमारी है कुछ क्लासेस, अब जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे लाइव और इंटरनेट डेज, या फिर जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जैसे भी जरूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग से। तो यू हैव क्वेश्चन, वी हैव आंसर, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आपके उनको आंसर देने के लिए ही हैं। तो हम लाइव डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका कुछ भी टॉपिक हो सकता है, आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक जो लाइव क्लासेस चल रही है उससे, या जो लाइव क्लासेस नहीं भी अभी आगे होंगी उनसे भी, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, एज, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी पोस्ट है,
मेल की पोस्ट कितनी है, फीमेल की पोस्ट कितनी है, पे स्केल क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। हालांकि चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हमने ये बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी बच्चा मिस कर देता है किसी भी नोटिफिकेशन को, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन यानी कि लाइव वीडियो में हम यहाँ पर उन मुद्दों को उठाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा आप अपना नाम, डीएसएसबी, सब्जेक्ट और सिटी लिख के हम मैसेज भी कर सकते हैं 8447410108, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है और आप लोगों को एक रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, तो ये आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि काम की मोड ऑफ सिलेक्शन जो डीएसएसबी में है, डी ट्रिपल एसबी में, पीजीटी की बात करें या टीजीटी की बात करें, तो वो क्या है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन शुड बी मेड थ्रू वन टायर और टू टायर एग्जामिनेशन स्कीम। तो जो एग्जामिनेशन स्कीम आपकी रहेगी उसमें दो टायर होते हैं, एक होगा वन टायर, एक होगा टू टायर। एग्जाम दोनों का इकट्ठा ही होता है एक ही दिन। ठीक है, स्किल टेस्ट जहां पर भी अप्लाईकेबल होगा वो होता है। तो टायर वन में क्या होता है, बेसिकली टायर वन में होता है आपका जर्नल पेपर जिसको हम बोलते हैं, या टायर वन आप बोल सकते हो, तो हम उसको जर्नल पेपर बोलते हैं। तो जर्नल पेपर होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स में आपका क्या क्या कवर रहेगा, क्या कुछ आएगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है आपका लैंग्वेज हिंदी, 20 नंबर का पोर्शन आपका आता है हिंदी लैंग्वेज पे। दूसरी बात करें तो इंग्लिश, इंग्लिश के पोर्शन से आपका रहेगा 20 नंबर का पोर्शन इंग्लिश से रहेगा। जीके एंड जीए से आपका रहेगा 30 नंबर का पोर्शन, मैथ्स से आपका रहेगा 20 नंबर का पोर्शन, और रीजनिंग से भी आपका रहेगा 20 नंबर का पोर्शन। तो यूं कहें कि जनरल पेपर में जो सेक्शन होंगे वो होंगे पांच सेक्शन, जिसमें आपका होगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। पांचों के पांचों सेक्शन ईच 20 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो हिंदी की क्लासेस भी चैनल पर हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। जल्दी हम फिर से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश की भी है, जीके एंड जीए जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस हम करें, बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोज है चैनल पर, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उनका भी स्केड्यूल आप तक पहुंच जाए। मैथ की भी वीडियो है, कुछ रीजनिंग की भी है, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। या कोई भी टॉपिक आपको जो लगता है, आप जब हम लाइव डिस्कशन करेंगे आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको लगता है। तो कुछ सेक्शंस के जो आपको टफ टॉपिक्स लगते हैं वो हम यहाँ पर पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जर्नल पेपर। और सिलेबस जो आपका वन टायर और टू टायर स्कीम है, तो वन टायर हमने देख लिया कि जर्नल पेपर क्या होता है। अब सिलेबस देख लेते हैं कि एक्चुअल सिलेबस में होता क्या है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन इस तरीके के सेट किए जाते हैं कि कैंडिडेट्स की जनरल अवेयरनेस को जाने। अब जनरल अवेयरनेस क्या है कैंडिडेट की, कि उसके एनवायरमेंट में यानी कि उसके चारों तरफ जो भी हो रहा है सोसाइटी में वो उसको पता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी सीएए है, ठीक है, तो आपको वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक एजुकेटेड पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जितनी भी डेली जिंदगी में ऑब्जर्वेशन है वो उसको पता हो, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स हो, कोई मिनिस्टर चेंज हो रहा है, कोई नई योजना ला रही है, कोई सबमिट हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंपॉर्टेंट डे है, तो ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो ये चीज, और इसमें क्या आते हैं बेसिकली सब्जेक्ट आपके, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, तो ये सारी चीजें। किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है या किसी के में जो है कोई हम कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो वो चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 20 नंबर के आपके इसी तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके वर्बल और नॉन वर्बल टाइप दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे कि क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक से रहेंगे, तो इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होंगे आपके एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमैटिकल रीजनिंग, वर्ड एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमैटिकल नंबर सीरीज। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में।
थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड सेक्शन आपका होता है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे कि नंबर सिस्टम बोले तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, डेसिमल्स, ठीक है, इसके अलावा डीआई, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपके मैथ के पोर्शन। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज इन कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉम्प्रीहेंशन में लैंग्वेज में आपसे क्या जज किया जाता है कि आपको कितना कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज आएगा, इंग्लिश से भी और हिंदी में भी आपका एक गद्यांश पदांश दिया जाएगा वो होता ही है। उसके अलावा आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको ग्रामर व्याकरण कितनी आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वाक्य में आप कितना पहचान सकते हैं, वाक्य में सुधार, सिनोनिम समानार्थक, एंटोनिम्स विपरीतार्थक, और उसका करेक्ट यूज, आपके पर्यायवाची, आपकी संज्ञा, सवर्णनाम, ये सारी चीजें आती हैं आपकी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। तो ये आपका हिंदी का रहेगा 20 नंबर का पोर्शन, इंग्लिश का रहेगा 20 नंबर का पोर्शन। तो हमने पांचों सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो पांचों पोर्शन से आपका 20-20 नंबर का सेक्शन रहेगा और आपका टोटल 100 नंबर का जो है पेपर रहेगा। अब बात करें कि सेक्शन बी में क्या होगा। सेक्शन बी में आपका आता है सब्जेक्ट, फोर स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे ऑन सब्जेक्ट कंसर्न्स एज फार एज क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इन रिक्रूटमेंट रूल। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। सब्जेक्ट कंसर्न, तो सब्जेक्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो आगा रहेगा टोटल 200 नंबर का। ये हम बात कर रहे हैं पीजीटी की, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट रहेगा वो रहेगा 200 नंबर का। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका जो टोटल नंबर रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का। पेपर वन आपका दोनों के लिए ही सेम होता है, चाहे वो जर्नल पेपर पीजीटी के लिए है, चाहे वो जर्नल पेपर पीजीटी के लिए। तो दोनों का पोर्शन लगभग सेम रहेगा आपका, और सब्जेक्ट पार्ट में आपका डिफरेंस है कि पीजीटी में आपसे 200 नंबर का पूछा जाएगा और पीजीटी में आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि आप अपना नाम, डीएसएससी, सब्जेक्ट और सिटी लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आए, कोई वैकेंसी आए, कोई एग्जाम अलर्ट आए, एडमिट कार्ड आए, सिलेबस आए, सिलेबस में कुछ चेंज आना है, कैसे आपने तैयारी करनी है, कोई लाइव क्लासेस आनी है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको हर टाइम जब भी लाइव क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की हमने बात कर ली, हमने टीजीटी की बात कर ली, तो अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, आप कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस तो हमने डिस्कस करी ली कि हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, तो हम यूट्यूब पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आपका जीके, जीए, रीजनिंग, मैथ, या आपका होती है जनरल पेपर की बुकलेट, इसके साथ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बुकलेट होगी। तो कंप्लीट सेट आप ऑर्डर कर सकते हैं हमसे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। सैंपल्स कैसे रहेंगे, कैसे रिव्यूज हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मन में है तो एक बार, अगर आपके पास नंबर सेव है हमारा तो आप हमारे स्टेटस पर हर रोज देखते ही होंगे जो भी हम व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर लगाते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक भी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हमारे पास तो आप YouTube पे जो आपका स्टेटस का पोर्शन आता है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। YouTube की स्टोरीज में, स्टडी पोर्टल की स्टोरीज में जाएंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा, हमने वहां पे आपके लिए काफी सैंपल्स लगाए हैं, रिव्यूज भी हैं, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं DSSSP, CTET, KVS, NVS, MPTET, UPTET, SuperTET, बिहार टेट, हरियाणा टेट, या कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मटेरियल कोरियर के द्वारा हमारे ऑल ओवर इंडिया जाता है, तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर।
तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप बहुत काम की भी है। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कौन से पोर्शन पर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।